और मेट्रो को अगर हम देखें तो ये प्रकल्प जो है करीबन 2010 को शुरू किया गया था और अभी 2020 में है, तो इसमें काम जो है अभी तक के हुआ नहीं है। तो मैंने मेट्रो का पूरा अभ्यास किया है और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से हम लोग अभी 10 साल से हम कुछ एक पर्टिकुलर वे से हम काम कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूर कुछ ऑर्गेनिक इश्यूज होंगे जिसकी वजह से वो नहीं जा रहा है। तो उसमें वन ऑफ द थिंग्स इज द फाइनेंशियल मॉडलिंग ऑफ द मेट्रो, वन ऑफ द थिंग इज द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द मेट्रो, वन ऑफ द थिंग इज द रिमूवल ऑफ बॉटलनेक्स। तो कोई काम जब होता है तो छोटे छोटे बॉटलनेक्स होते हैं, बॉटलनेक्स की वजह से काम हो नहीं पाता है। लॉकडाउन के टाइम पे अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर एक बहुत बड़ा इशू था। अच्छा, मेट्रो में ऐसा है कि मेट्रो हैज़ टू सर्व अ पर्पस, इट इज़ नॉट कि दो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को ज्वाइन कर दिया तो इट शुड सर्व अ पर्पस। एंड अनलेस इट सर्व्स दैट टोटल पर्पस दैट अ पर्सन अपने घर से निकलता है और वो सीमलेसली अपने वर्क प्लेस तक के पहुँचे, लास्ट मिनट कनेक्टिविटी, और वापस जाए, अदरवाइज मेट्रो को चालू करके कोई मतलब नहीं है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में कोई जाएगा नहीं, ऑटो रिक्शा इज प्रेफरेबल टू दैट। इसलिए मेट्रो के लिए मैंने हमारे जो सारे इंजीनियर्स हैं और हमारे सारे कंसल्टेंट्स हैं, मैंने उनको उनके सारे बॉटलनेक्स निकालने को कहा है। तो फर्स्ट थिंग हम करेंगे इज द लाइन लिस्टिंग ऑफ ऑल द बॉटलनेक्स ऑफ द मेट्रो, दैट इज विल बी द फर्स्ट थिंग टू डू। और वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस चालू हो चुका है, उसको हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है, अल्टीमेटली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल टास्क रहता है। समटाइम्स द टास्क इज एज सिंपल एज राइटिंग अ लेटर, समटाइम्स इट इज हैविंग एन इंजीनियरिंग सोल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो वो लाइन लिस्टिंग जो है, वो लाइन लिस्टिंग हमने किया है, उसके बाद जो है वी विल प्रिपेयर द फुल प्रोग्राम किस प्रकार से करना है। बट आई थिंक फॉर मेट्रो सम टाइप ऑफ इनोवेटिव थिंकिंग विल बी रिक्वायर्ड, और जैसे वो हमारी थिंकिंग क्रिस्टलाइज होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सर, उसका ट्रायल भी हो चुका था और ये था कि नवंबर में ऑपरेशनल किया जाएगा, तो अभी कितना समय और लगेगा मेट्रो को स्टार्ट होने? नहीं, वो बताना थोड़ा मुश्किल जाएगा कि किस समय, बट आई डोंट थिंक नवंबर को ऑपरेशनलाइज करने का प्लान है। बिकॉज अगर वो प्लान होता तो इन दैट केस अभी तक के जो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के पास प्रपोजल जाती है। देखिए, रेलवे को स्टार्ट करने के लिए रेलवे के एक सेफ्टी कमिश्नर होते हैं, दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। सो रेल जो है वो भी एक रेगुलेटेड सेक्टर है, उसके कंसल्टेंट्स अलग होते हैं, उसके रेगुलेटर्स अलग होते हैं। सो वो प्रोसेस हुआ नहीं है, एंड इसलिए मैंने जैसे कहा कि मेट्रो को वी आर गोइंग टू गिव इट अ न्यू डायरेक्शन, एक नई दिशा देनी बहुत ज़रूरी है, एक नए सोच मेट्रो में लाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें लाइन लिस्टिंग करना पड़ेगा ऑफ ऑल द बॉटलनेक्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स। और ये लाइन लिस्टिंग करते वक्त हमें एकदम खुद से ऑनेस्ट रह के निकालना है कि ये दीज आर द इशूज़। भाई, सबसे पहले पहली बात कि हमारे पास 10 सीट को हैव द कॉम्पिटेंस टू डू अ मेट्रो, आज 9 इंजीनियर मेट्रो का काम कर रहे हैं और एक जीसी है जिसके पास 92 पीपल आ रहे हैं। तो 9 इंजीनियर्स आर द इनफ टू डू द मेट्रो, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर कि व्हाट इज़ योर कॉम्पिटेंस, आपने कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट बिल्डिंग किया है क्या, उसके बाद आपकी जो इक्विपमेंट आया है आपने इक्विपमेंट को यूज़ किया है क्या, क्लियरेंसेज है वो आपने क्लियरेंस किया है क्या, डिज़ाइन जो है वो डिज़ाइन जैसा होना चाहिए तो उस प्रकार से है क्या। तो इस प्रकार से मेट्रो के बारे में हम लोग देख रहे हैं और आई एम श्योर एक इनोवेटिव सोल्यूशन आएगा और मेट्रो को जो है जल्द से जल्द इसको पूरी गति दी जाए। ख्याल से मेट्रो का करने में इट विल टेक अ ईयर एंड अ हाफ, ऐसा मुझे लगता है। तो 2 साल पकड़ लीजिए, आई थिंक वी अ प्रैक्टिकल थिंग है कि लाइन वन जो है, हाँ, 2022 तक के लाइन वन का वेरी वेरी जो मैंने रिव्यू लिया है और जो मैंने उसमें देखा है कि जो सिविल वर्क जो बचा है और जो इलेक्ट्रिकल का काम बचा है। देखिए, अभी इलेक्ट्रिकल का काम कैसा होता है कि एक ज़माना पहले ऐसा था कि आप हमारे यहाँ भी A1 कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, तो A1 कॉन्ट्रैक्ट में कैसा होता था कि पेमेंट फॉर द मटेरियल अलग से दिया जाता था और दूसरा था पेमेंट फॉर द वर्क, और काम जो है वो एजेंसी करती थी, तो मटेरियल लाके डंप कर दिया और 90% पेमेंट ले लिया और 90% काम हो गया। बट रियलिटी इज़ नॉट दैट 90% वर्क, रियलिटी इज एक्चुअली गेटिंग द वर्क गोइंग ऑन द ग्राउंड। सो बाद में सरकार ने A1 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बंद ही कर दिया, अभी हम लोग B1 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं PWD और ऐसे डिपार्टमेंट। सो एज फार एज मेट्रो इज कंसर्नड, अगर आपने पूरा देखा तो इक्विपमेंट वगैरह जो भी है, पर अगर पूरा देखा तो मेरे ख्याल से 2022 तक के उसमें इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 to 2 years फॉर द मेट्रो टू बी ऑपरेशनल।